गुड मॉर्निंग साथियों, आ जाओ जल्दी से सभी एक और नई उम्मीदों की क्लास जीरो लेवल बेसिक मैथ। आप देख रहे हैं पीबीआर स्टडी, मैं हूं राजकुमार यदुवंशी आपके सामने आपकी बेसिक मैथ की क्लास लेकर के। साथियों, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तो ये क्लास आपके लिए ही है, अगर आपको मैथ में आता है तब भी आपके लिए है, क्योंकि ये एडवांस मैथ की क्लास होगी। होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही शुरू, लेकिन आगे तक जाएंगे काफ़ी। चलिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की मैथ, क्लास 8 की मैथ है, पार्ट नंबर 58 है ये, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा 8 की मैथ लगभग ख़त्म हो गई है, बस थोड़ा सा 4-6 क्वेश्चन लास्ट के बचे हैं, उनको हम करवा रहे हैं कुछ विस्तार पूर्वक। चलिए, यहाँ पर दो आकृतियाँ आपको दी गई हैं जो कि साफ साफ दिख रहे होंगे, टू फिगर दिए गए हैं जिनके नाम क्रमशः आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। पहली आकृति का नाम है GUNS, क्या नाम है? GUNS। दूसरी आकृति का नाम है RUNS। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं ना, जैसे दो रेखाएं अगर मैंने ऐसे ऐसे खींचा, ये क्या है? समांतर है, जो कि एक दूसरे को कभी ना काटे। इनको चाहे जितना बढ़ाते जाओ ये सीधा सीधा निकल जाएंगी नदी की तरह, कभी काटेंगी नहीं। जैसे नदी आपने देखा है ना, नदी के दो किनारे कभी आपस में नहीं मिलते हैं, उसी तरह से समांतर रेखाएँ कभी आपस में नहीं काटते हैं। ये दोनों क्या है? एक समांतर आकृतियाँ हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। इसमें यक्स और वाई निकालना है। देखो यहाँ पर भी वाई है, यक्स है, ये देखो यहाँ पर वाई है, यक्स है। तो यक्स और वाई को निकालना है, मतलब कि हमें इसमें से चार पदों को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। साथियों, आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो या वर्ग हो, सभी की अपनी एक विशेषता होती है, होती है ना। चलिए, समांतर चतुर्भुज अब पहली आकृति से हम लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, क्या नाम है पहली का? GUNS, GUNS से। इसमें क्या कर सकते हैं हम, पता है आपको? GU इक्वल, यहाँ पर लिख लो ऐसे, GU इक्वल NS, बोलो होगा कि नहीं होगा? भाई सिंपल सी बात है यार, GU जो है वो NS के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, ये इसका गुण होता है, प्रगुण होता है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर ये GU NS के बराबर है तो GU का मान 3y है और माइनस वन भी है, तो 3y माइनस वन है इक्वल NS का जो मान है वो 2.6 है। इस तरह से आपका ये इतना आ गया। लेकिन यार ये 2.6 था या 26 था, क्या था आप देख के बताओ, देख के बताओ क्या था? 26 था, सॉरी, ये पॉइंट नहीं है, 26 है, इतना हो गया। तो यहाँ से आप निकालोगे तो 3y इक्वल आपका आ जाएगा 26 धन 1, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 27/3=9। अभी हम आपको दिखा देंगे, नीचे ना दिख रहा होगा तो टेंशन मत लेना। यानी कि साथियों, यहाँ से y का मान 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा y की वैल्यू। अभी देखते जाना, अभी बहुत कुछ है, भागना मत। y का वैल्यू 9 आ गया, क्वालिटी को चेंज करके 100% कर लीजिए, बिल्कुल मस्त दिखेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप चाहे तो कोष्ठक में यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लिखिए सम्मुख भुजाएँ बराबर तथा समांतर होती हैं। यहाँ पर ऐसे लिखो, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएँ बराबर तथा समांतर होती हैं। उसके बाद कोष्ठक बंद कर देना पूरा लिखने के बाद, ठीक ना? इतना हो गया पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ ध्यान देना, GS ये बराबर होगी UN के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है ना भाई, ये इसके बराबर होगी और समांतर होगी, और ये इसके बराबर और समांतर होगी। तो इसी तरह से क्या होगा? GS इक्वल UN, तो GS का मान है 3x और UN का मान है 18। इस तरह से x बराबर हो जाएगा 18/3, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 6। बात समझ में आई ना? तो ये हो गया आपका x और y का मान पहले वाले फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। x का मान 6, y का मान 9,
नोट कर लीजिए जल्दी से फट से, ये हो गया आपका। लेकिन अभी दूसरे फिगर में हमें एक्स वाई का मान निकालना है, ध्यान देना इसी तरह का करेंगे। सेकेंड नंबर चित्र भी देखते जाना, पहला तो हमने कर लिया। चलिए अब इसको लिख लिए होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम दूसरा फिगर पर फोकस करते हैं। साथियों चला दूसरा चित्र ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या है, पर गौर से देखिएगा। देखिए ये इसके विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के, विकर्ण जानते हैं ना, विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं ना। तो ये केंद्र है बीच में, यहाँ पर इसके इधर जो है ये 20 है, कितना है 20 है, इधर साइड क्या है 20 है और इधर वाई प्लस 7 है, और इसमें इधर 16 है और इधर क्या है एक्स प्लस वाई है। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मीन्स ये होता है कि अगर ये टोटल रेखा जो है 16 सेंटीमीटर की है, तो ये जो बीचों बीच में कट रहा है ना, तो क्या होगा पता है, 8 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है, ठीक ना, तो भूलना मत। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 20 है ये y प्लस 7 के बराबर होगी और जो 16 है वो x प्लस वाई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चलिए अब चित्र नंबर दूसरा से हम हल करेंगे, पहला मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। नोट कर लीजिए जल्दी करिए, और जो छात्र छात्राएं नहीं लिख सके वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और लिखें, बिल्कुल टेंशन न लें, समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। मैथ बहुत आसान है, और भाई ठंडी बहुत तेज़ हो रही इस समय, आज है 26 दिसंबर 2019, मात्र 4-5 दिन और बचे हैं इस साल में कुछ और अच्छा करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखिए समांतर चतुर्भुज आर यू एन एस में, लिखिए दूसरी आकृति के अनुसार, समांतर चतुर्भुज आर यू एन एस में, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिखिए नीचे, इसके विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। लिख लिया? बिल्कुल परेशान मत होना, जो नहीं दिखेगा उसको हम आपको तुरंत दिखाएंगे। क्या करते हैं? इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसे लिखोगे, सम द्विभाजित करते हैं। अतः देखो भाई, अगर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर बराबर काटते हैं, तो सिंपल सी बात है यार, वाई प्लस 7 इक्वल 20 है ना। क्यों? जैसे मैंने बताया था, y धन 7 जो है ये 20 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से बीच वाला जो बिंदु है केंद्र से, इधर की लाइन और इधर की लाइन बराबर होगी आपस में, होगी ना, मतलब ये इतना जो है इतने के बराबर होगा, तो ये मैंने कर दिया। तो यहाँ से आप y का मान निकालोगे तो 20 माइनस 7, और y का मान 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा, इतना बात पक्की ना। आगे देखना, आगे क्या होगा ध्यान देना, x प्लस वाई इक्वल कितना होगा 16 होगा, x प्लस वाई इक्वल कितना होगा 16 होगा, तो x प्लस, ध्यान देना y का मान यहाँ 13 आया है, तो यहाँ पर 13 रख दोगे इक्वल 16, तो x बराबर 16 माइनस 13, यानी कि फाइनल में हो जाएगा साथियों x इक्वल 3, कितना आ जाएगा 3। इस तरह से आप कह सकते हो कि x का मान जो है वो 3 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो ये हो गए आपके x और y के वैल्यू। देखिए सवाल बड़े बड़े हैं, एडवांस मैथ है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं समझ में आया बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल बेफिक्र रहना, एक बार फिर से देखना, थोड़ा लंबी सांस लेना, एक मिनट सोचना आँख बंद करके, क्यों नहीं आया, कहाँ नहीं आया, फिर आ जाएगा। साथियों चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। जो भी साथी हमारे पेड वाली क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, और फ्री की क्लास को पाते रहने के लिए अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन करें। इसके अलावा आपको बता दें कि PVR स्टडी ग्रुप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप और भी बहुत सारी फ्री की क्लास को देख सकें। और इतना ही नहीं, FV अर्थात फेसबुक पर भी PVR स्टडी को लाइक करें एंड फॉलो करें, जिससे कि आपको
वहाँ भी क्लासें मिल सकें। तो PBR स्टडी की 80% पेमेंट वाली क्लास आप फेसबुक से फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर लिखना है PBR स्टडी और सर्च कर देना है, जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लेना है। बस आपको वीडियोज और लाइव सेशन सब कुछ फेसबुक पर मिलते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चलते चलते इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करके जाइएगा, जिससे कि कुछ और अच्छा हो सके और कोई और भी पढ़ सके आपकी वजह से। शुक्रिया।